सलमान खान बेचना चाहते हैं अपनी एक पुरानी एसयूवी कार। उनके क्रेजी फैंस सलमान की इस कार पर ऊंची से ऊंची बोली लगाने के लिए भी तैयार है। बट सलमान की मजबूरी है कि वो अपनी इस कार को बेच नहीं सकते। जी हाँ, सलमान की ये कार जुड़ी है सलमान की लाइफ के एक ऐसे इंसिडेंट से जिसकी यादें सलमान पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट है 2002 में हुआ उनका रोड एक्सीडेंट, जिसके बारे में खुद सलमान भी कई बार मीडिया में कबूल कर चुके हैं कि जब भी वो बांद्रा के उस रोड से गुजरते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। उन्हें भरोसा नहीं होता कि उनकी कार से किसी की जान चली गई थी। लेकिन आज तक सलमान को इस बुरे सपने से आजादी नहीं मिल पाई है, और रिसेंटली इस बुरे सपने को भुलाने की उनकी एक कोशिश लीगल ट्रबल की वजह से पूरी नहीं हो पाई। रिपोर्टेडली हाल ही में सलमान ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपनी उस कार को बेच देंगे। कार सेल करने के लिए सलमान भाई को ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ी, लेकिन इससे पहले कि इस कार को सेल करने की डील पूरी हो पाती, कोर्ट ने उनकी इस डिमांड को खारिज कर दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि इस केस में ये एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है और इसे बेचा नहीं जा सकता। सलमान ने एक पिटिशन फाइल करके डिमांड की थी कि उन्हें अब इस कार की कोई जरूरत नहीं और इसलिए वो इस कार को बेचना चाहते हैं। 2002 में हुए इस एक्सीडेंट के बाद इस केस में कई उतार चढ़ाव आए। शुरुआत में इस केस में सलमान के खिलाफ सीरियस चार्जेस फाइल किए गए थे, लेकिन बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान पर लगे चार्जेस को कम कर दिया था। लेकिन एक बार फिर इस साल की शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में सलमान के खिलाफ कुछ सीरियस चार्जेस लगाने के लिए कहा है, और अब रिसेंटली सलमान को उनकी लैंड क्रूजर ना बेचने का फरमान सुनाकर कोर्ट ने अपना कड़ा रुख एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। ऐसे में तो यही लग रहा है कि सलमान को अपने 2002 के एक्सीडेंट की डरावनी यादों से जल्दी छुटकारा मिल पाना फिलहाल मुश्किल ही है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।